Hello guys, welcome back to the channel. And as you know that we are covering the public administration lecture series, and basically hum financial administration ke bare mein discuss kar rahe hain. So lecture number 85 will be based on the budget types and forms. To hum basically iske andar budget ke types aur kis tarike se evolution hua hai budgeting process ke andar wo dekhenge. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. और चैनल पे पेपर वन की लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट पेपर वन हमने कवर कर लिया. एक टॉपिक रहता है दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा. तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ग्रुप्स में, आप अपने फेसबुक पेज पर जहाँ कहीं भी शेयर ज़रूर कीजिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बजट टाइप्स एंड फॉर्म्स. बजट समझिए कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड होता है. ब्लड क्या काम करता है? सर्कुलेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन. ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट के अंदर मनी इज़ द ब्लड. मनी इज़ ब्लड मींस कि मनी जो काम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड करता है, सर्कुलेशन का, सप्लाई का, वही काम मनी करती है. बॉडी को फंक्शनिंग में रखता है ब्लड, वैसे ही गवर्नमेंट को फंक्शनिंग में कौन रखती है? मनी. सो इन गवर्नमेंट मनी इज़ ब्लड, एंड गवर्नमेंट यूज अ वैरायटी ऑफ मींस टू फंड द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. अभी तक हम पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, अलग अलग वे, प्रोसीजर, मैथड, बहुत सारी टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहे थे. लेकिन उन टेक्निक को काम, मतलब टेक्निक को फॉलो करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फ़ंड तो चाहिए, हमें मनी तो चाहिए, पैसे चाहिए. वो कहाँ से आएंगे? वो आते हैं बजटिंग के थ्रू. फाइन, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं टू फंड द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस. व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस मीन्स रेजिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ रिवेन्यू दैट आर देन एक्सपेंडेड टू फंड पब्लिक पॉलिसी. वो पैसा गवर्नमेंट जो पब्लिक पॉलिसी पे खर्च करती है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस. ओके, गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्ट करती है एंड उस रिवेन्यू को फिर कहाँ पर लगाती है? एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है? पब्लिक पॉलिसीज पे होता है. सो दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस. अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो रहेगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ बजटिंग पे. ठीक है, तो बेसिकली जो बजटिंग है, आपको अगर आप बाकी सारी बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको इवोल्यूशन के अंदर नहीं बल्कि पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर वो पर्टिकुलर फॉर्म या टाइप जो मेंशन किया हुआ होगा, जैसे लाइन आइटम का, परफॉर्मेंस बजटिंग का, या प्लानिंग बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग. इन्हीं के बारे में मेनली चार ये जो टाइप है इनके बारे में डिस्कस होता है. बट यहाँ पर हम पूरा जो 7 पीरियड किस तरीके से इवोल्व हुआ है बजटिंग का जो मेथड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो द डेवलपमेंट बजट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 7 पीरियड. जो सबसे पहला जिस होता है ना, जो ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है बजटिंग का, दैट इज़ कॉल्ड लाइन आइटम बजटिंग. क्या है डिटेल में देखने वाले हैं लाइन आइटम बजटिंग का, बट ये समझ लीजिए कि जो बेसिक बजटिंग मेथड होता है दैट इज़ लाइन आइटम बजटिंग. अगर आपको कहा जाए कि आपको बजट बनाना है, आपको अपने घर का बजट बनाना है, तो आप किस तरीके से बजटिंग करोगे? ठीक है, वो क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है. सेकेंड आता है प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजटिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. ठीक है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके हिसाब से और कुछ जो प्रोग्राम्स हैं हमारे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे. फाइन, उसके बाद में बारी आती है जिसको कहा जाता है PPBS, प्लानिंग प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग. ठीक है, इसका एग्जैक्ट नेम जो है वो आगे दे दिया जाएगा. फिर बात आती है बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव. जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था, वैसे ही बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद में जीरो बेस बजटिंग, काफ़ी न्यूज़ में है जीरो बेस बजटिंग होता क्या है. ठीक है, फिर बात आती है टारगेट बेस्ड बजटिंग, एंड फिर लास्ट वन है बजटिंग फॉर रिजल्ट. तो ये 7 पीरियड है, वन बाय वन देखते हैं कि सब में सबकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खामियां हैं, और क्यों हमें नए मेथड की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो वन बाय वन सारे की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं. तो पहले तो ये समझिए कि वाई वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ बजटिंग. अगर हमारे पास एक मेथड है तो हमें नए मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बजटिंग का जो मेथड है, जो फॉर्मेट है, वो हमेशा चेंज होता रहा है. कोई भी चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं होती, एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी, चेंज होती रहती है. ठीक है, हर चीज़ नेचर के अंदर चेंज होती है, तो बजटिंग का मेथड भी चेंज हुआ है. और वो क्यों चेंज हुआ है? देखिए, जो 19th सेंचुरी के अंदर सिटीजन्स के मन में, लोगों के मन में गवर्नमेंट का जो रोल था वो आज के दिन नहीं है. गवर्नमेंट आज के दिन क्या है? वेलफेयर गवर्नमेंट बन चुकी है, वेलफेयर स्टेट बन चुके हैं.
तो जो पब्लिक ओपिनियन होता है अबाउट द प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को नई जॉब निकालनी चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट का, ये जो ओपिनियन होता है पब्लिक का, इस ओपिनियन पे हमारा बजटिंग जो मैथड है वो डेवलप होता है. So the evolution of new budgeting format is driven by evolving public opinion about the proper role of government. जो public opinion होता है about the role of government, उसी के base पे हमारा जो नया budgeting method जो है वह हमेशा evolve होता रहा है. In each of our 7 budgeting thrust, ये जो 7 हमारे हमने अभी तक देखे हैं, the idea of what a budget is could be or should be have assumed at different cost. सब में आप find out करोगे कि budget क्या होना चाहिए, ये जो एक idea है, ये जो है what is a budget and what should be a budget, ये हर एक type में हर एक method में different meaning के साथ है. बट जो बेसिक मीनिंग होता है बजट का वो अनअल्टर्ड है, उसके साथ कोई चेंज नहीं किया गया है. ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है बजट की, अ बजट इज़ अ सीरीज ऑफ गोल्स विद अ प्राइस टैग अटैच्ड. आपने कुछ गोल, जैसे आप अपना मतलब घर का बजट बनाते हो कि हमें इतना सम इतना जो पैसा है वो ग्रोसरी पे खर्च करना है, इतना एजुकेशन पे, इतना हमें रेंट देना है, हमें बिल पे करने हैं, राइट. तो बजट क्या एक सीरीज है गोल्स की, डिफरेंट गोल्स हैं, लेकिन उन हर एक गोल के साथ एक प्राइस टैग अटैच्ड होता है. बट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, आपने लोन पे करने हैं, आपने वेलफेयर स्कीम पे खर्च करना है, हर एक गोल के साथ उनका प्राइस टैग अटैच्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बजट, राइट. इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है. बट हर एक जो हम आगे आने वाला बजटिंग का फॉर्मेट देखने वाले हैं उसके अंदर ये चेंज हो गया कि बजट क्या होना चाहिए, बजट क्या है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बजट हमारा, उसके हिसाब से नए फॉर्मेट इवॉल्व हुए हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन आइटम बजटिंग की. इसको ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बजटिंग भी बोलते हैं, और इट प्रेजेंट बजट इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन. बिल्कुल सिंपल से सिंपल आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ठीक है, कि आपने ग्रोसरी पे इतना खर्च करना है, आपने एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, नई चीज़ें ये खरीदनी है, वो खरीदनी है, दैट्स इट. ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के सामने उसका पैसा लिख दिया, दैट यू हैव टू पे 5000 ऑन बिल, 5000 आपने ग्रोसरी खरीदनी है, 5000 आपने नई मतलब इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 5000 आपने किसी को लोन देना है, 5000 कुछ, मतलब वेरी सिंपल की ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है. एंड अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट ग्रांटेड शुड बी स्पेंड ऑन दैट आइटम ओनली. आप चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पर घर का बजट और लाइन आइटम बजट में फ़र्क आता है, यू कांट चेंज, राइट. जो आपने जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो अमाउंट डिसाइड किया है, आपको उसी ऑब्जेक्ट पे या उसी गोल पे आपको वो अमाउंट जो है वो खर्च करनी पड़ेगी. सो इट प्रिवेंट वेस्टेज, ओवर स्पेंडिंग एंड मिसयूज ऑफ मनी. समझिए कि आपने मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपीज़ अभी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपने गवर्नमेंट ने कहा कि हम लगाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, उसको वहीं पे खर्च करने पड़ेंगे. तो वेस्टेज बचेगा, ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी और मनी का मिसयूज़ नहीं होगा. सो इट फैसिलिटेट मैक्सिमम कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर. आपको पता है कि आपने इतने रुपये यहाँ पर खर्च करने थे, हुए या नहीं हुए, क्या वो सामान आया घर में, क्या वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव था आपका क्या पूरा हुआ नहीं हुआ. सो इट फैसिलिटेट मैक्सिमम कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो नोन एज इंक्रीमेंटल बजटिंग. क्यों? क्योंकि जो चल रहा है आप उसी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, कुछ नया मेथड, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, जो चलता आ रहा है आप उसी में कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज द इंक्रीमेंटल बजटिंग. द सेकेंड वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजटिंग. परफॉर्मेंस बजटिंग मीन्स अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पे बेस्ड होता है ये. इट्स स्ट्रेस इट्स फोकस ऑन द एजेंसी परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट. ये बेसिकली कि क्यों खर्चा किया गया. अगर आपने वेलफेयर स्कीम पे, अगर आपने उज्ज्वला स्कीम के तहत पैसे खर्च किए हैं तो क्यों किए हैं, पर्पज़ क्या, आपका उद्देश्य क्या है, ये उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, न कि एक्सपेंडिचर पे. इन इंडिया इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1968 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC, और इट बेसिकली इम्प्रूव फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, इट इंक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इट रेंडर परफॉर्मेंस ऑडिट मोर पर्पजफुल एंड इफेक्टिव. अब ये परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, ये हम ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे, ठीक है. देखिए, जब कोई चीज़ नई इवॉल्व होती है
तो वो पहले वाले से बेहतर होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको और कोई पॉइंट ध्यान में ना आए, तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं दैट इट इम्प्रूव्स द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट एंड इट इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी, राइट। दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, PPBS, पी फॉर प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग एंड सिस्टम। इट बेसिकली ये जो तरीका है बजटिंग का, ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था, राइट। एंड इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन डिजाइन टू इम्प्रूव गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग रेंज प्लानिंग गोल्स, एनालाइजिंग कॉस्ट बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोग्राम एंड आर्टिकुलेटिंग प्रोग्राम अज बजटरी लेजिस्लेटिव प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन। सॉरी, अब क्या होता है कि बेसिकली ये जो तरीका है, ये गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो आप उन गोल को अचीव करने के लिए है। आपको जैसे हमने पॉलिसी, जब हम पॉलिसी मेकिंग का हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। अब जैसे आपको डिफेंस पे खर्चा करना है, आपको वेलफेयर पे खर्चा करना है, यू नीड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा किस पे स्पेंड करना है। तो ये अल्टरनेटिव प्रोग्राम का कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इसको एनालाइज करता है। एंड आर्टिकुलेटिंग प्रोग्राम्स एज बजटरी एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसाइड नहीं करता कि आपने इस मंथ किया या एक साल का इतना कर लिया, नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलता है। इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द इनपुट बट आउट इनपुट एंड आउटपुट बट ऑल्सो विद द इफेक्ट एंड अल्टरनेटिव। ये समझिए कि आपने 1,000 रुपये खर्च किए, आपको आउटपुट क्या मिला, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपने जो पैसे लगाए उसका इफेक्ट क्या है और क्या कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल है, राइट। तो इट ऑल्सो डील्स विद द इफेक्ट एंड अल्टरनेटिव एंड इट इंटीग्रेट द प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग प्रोसेस। नाम से समझिए, प्लानिंग क्या प्लान हो रहा है, अबाउट द प्रोग्राम एंड बजटिंग, तीनों सिस्टम को ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। फिर बात आती है बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव। बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव इज सिमिलर टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो वैसा ही बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव है, राइट। पीटर ड्रकर का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, राइट। तो पीटर ड्रकर ने 1954 के अंदर एक बुक लिखी थी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो इस बुक के अंदर ये माना जाता है कि फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि MBO के कंसेप्ट लाया गया था। सो MBO कंसेप्ट वॉज ब्रॉट आउट बाय द पीटर ड्रकर इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन द ईयर 1954। एंड जब बजट के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करते हो तो MBO BBO बन जाता है, दैट मीन्स बजट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय रिसोर्सेज आर सेट थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। अब इसको समझिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द MBO, राइट। तो इन द सेम वे BBO क्या होता है कि रिसोर्सेज, यू हैव रिसोर्सेज, राइट। आपके पास जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया, ठीक है। एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि आपने जितना इनपुट डाला है, जितना आपने रिसोर्स लगाया है या जितना रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया है, क्या उतना ही आपको अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो समझिए कि एक ये प्रोसेस है वेयर बाय रिसोर्सेज आर सेट थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। आपने क्या किया, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज थे उनको सेट किया पार्टिसिपेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, क्या आपने वीमेंस के लिए काम करना है, आपने डिफेंस में कुछ अचीव करना है, आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया एंड रिसोर्सेज को उस हिसाब से सेट किया, राइट, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो पूरे हो सके। सो BBO इज कंसर्न विद द इनपुट्स आउटपुट एंड इफेक्ट। समझिए, इनपुट पे, आउटपुट पे और इफेक्ट पे फोकस करता है, बट नॉट नेसेसरली विद द अल्टरनेटिव। हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव का जिक्र नहीं किया, वे जस्ट फोकस्ड ऑन द इनपुट। आपने इतना इनपुट डाला, आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया और उसका क्या इफेक्ट रहा, बट नॉट वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव अंडर द बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग की, इसको ZBB भी बोलते हैं, राइट, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो अगर ये टर्म आपको कहीं पर मेंशन मिले तो ये इसका मतलब ये होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग। बिल्कुल एक समझिए कि जब भी आपको नए तरीके की बजट, मतलब एक साल शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे मार्च 2019 से शुरू हुआ और अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और मार्च 2020 तक एक साल चलेगा, फाइनेंशियल ईयर आपका चलेगा,
तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि जब हम मार्च 2020 आएगा और जब हम नया बजट बनाएंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि पिछले साल में हमने कितना खर्चा किया, पिछले साल हमने कितने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके हिसाब से हमने कितने एक्सपेंडिचर किया. नहीं, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ. बिल्कुल हमारे पास क्लीन बोर्ड होता है और उस पर हम बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं. दैट इज़ जीरो बेस, बिल्कुल ज़ीरो. आपने 15,000 करोड़ स्पेंड किया, आपने 10,000 करोड़ स्पेंड किए, डज नॉट मैटर. आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से, जीरो बेस से, जब आप नेक्स्ट टाइम बजटिंग कर रहे हो तो. सो इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ बजटिंग. एंड इस सिस्टम में हर स्कीम को क्रिटिकली रिव्यू किया जाता है, रीजस्टिफाई करना पड़ता है आपको टोटली जीरो से. इस साल मान लीजिए कि उज्ज्वला स्कीम के ऊपर पैसे लगा दिए, तो क्या अगले साल भी वो स्कीम चलनी चाहिए? जस्ट बिकॉज इस साल आपने ऐड किया, ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी वो स्कीम चलनी चाहिए. आपको अगली बार जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ये स्कीम बजट में इंक्लूड हो, क्यों इसके लिए हम अलग से बजट के अंदर मेंशन करें, राइट? तो नीड टू रिव्यू क्रिटिकली एंड रीजस्टिफाई फ्रॉम द ज़ीरो. एडवांटेज क्या होता है इसका? इट एलिमिनेट्स और मिनिमाइज द लो प्रायोरिटी प्रोग्राम. जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट? और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है जिस प्रोग्राम की, हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम, उनको ज़्यादा फाइनेंस मिलता है. टैक्स इंक्रीज बचते हैं क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्रोग्राम जो थे आपका, उनको आपने छांट लिया, ठीक है? आपने छांट लिया कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये कम ज़रूरी है. अब आपको कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मतलब कम कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हो. तो यू नीड टू पुट लेस टैक्स, राइट? तो इट रिड्यूसेस टैक्स इंक्रीज. इट एलोकेट्स द रिसोर्सेज रैशनली एंड इट कैन को एग्जिस्ट ऑन रीजनेबली फ्रेंडली टर्म्स विद अदर बजटरी कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस. जीरो बेस बजटिंग अदर बजटरी प्रोसेस के साथ बहुत ईजिली रह सकती है, ठीक है? फिर बात करते हैं टारगेट बेस बजटिंग. नाम से पता चल रहा है, टारगेट बेस. बेसिकली ये 21st सेंचुरी की कह सकते हैं नई रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. ये जो बजटिंग सिस्टम है इसको फिक्स्ड सीलिंग बजटिंग या टॉप डाउन बजटिंग भी बोलते हैं. एंड इट इज़ अ मैथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एजेंसीज इन विच एजेंसी स्पेंडिंग लिमिट और टारगेट आर सेट बाई द इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट. आपने कहा कि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस बार 20,000 करोड़ रुपये स्पेंड कर सकते हैं, राइट? ये आपने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी, स्पेंडिंग लिमिट. और टारगेट जो है वो 20,000 रुपये कहाँ स्पेंड होंगे, किस पे स्पेंड होंगे, कौन से प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ये जो टारगेट सेट किया जाता है वो बजट के अंदर मेंशन नहीं होता है. वो कौन बताता है? वो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव बताता है, ठीक है? जो इलेक्टेड होता है, दैट मीन्स मिनिस्टर हो गया, राइट? सो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट वो बताएगा आपको कि आपने वो पैसा कहाँ पर लगाना है. सो एजेंसी हेड आर परमिटेड टू अचीव गोल्स इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर. होम मिनिस्ट्री को अगर 50,000 करोड़ रुपए मिलते हैं तो होम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि कहाँ पर पैसा लगाया जाना चाहिए, ठीक है? वो बजट के अंदर मेंशन नहीं आएगा. अब बजट में सिर्फ वो स्पेंडिंग लिमिट दी हुई होती है, फाइन. दैट इज टारगेट बेस्ड बजटिंग. थैंक यू सो मच. बजटिंग की जो प्रोसेस होती है, बजट फॉर्मुलेशन का जो टॉपिक है, वो हम पेपर टू के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि पेपर वन जो है वो बेसिकली टारगेट करता है, जिसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट को समझते हैं. बट पेपर ये जो बजट फॉर्मुलेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इज क्वाइट स्पेसिफिक एंड वी विल इंक्लूड दैट टॉपिक इन अवर पेपर टू, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, एंड आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं. दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं. जो फर्स्ट फेज है, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 16th of September एंड 5th of October तक चलेगा. बेसिकली ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है आंसर राइटिंग का, शुरू में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो जानते हैं, जो थॉट हैं आपके माइंड में, उनको पेपर पे कैसे लिखना है. हाउ यू अटेम्प्ट वट एवर यू नो, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, कैसे आपने पेपर पे लिखना है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. तो बेसिक सा लेकर के चलेंगे, 20 days का है. जो इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, एंड शेयर ज़रूर कीजिए, फाइन. थैंक यू सो मच.